जो टाइम हो रहा है 7:19 हो रहा है एंड आज हमने जो गाड़ी चलाई है 148.2 किलोमीटर इन ड्राइव पे हमारी टू ट्रिप पे 155 की अर्निंग हुई है, उबर पे हमारी फाइव ट्रिप पे 205। इधर मैम इधर, अरे इधर सालू, उधर कहाँ जा रहे थे? खुशी डबल सेवन डबल थ्री। अरे क्या हुआ? अरे मैम डरा दिया मैम। अरे मैम आप चीखी, मैं डर गया, क्या हो गया? सो अभी जो टाइम हो रहा है 7:53 हो रहा है, हमारी एक ओला पे राइड आई है यार एंड रीडिंग कर दिया जीरो, बाइक को करते स्टार्ट एंड चलते हैं कस्टमर लोकेशन पे गाइस। और देख रहे हो यार, वेलकम बैक टू द मानसून, बाढ़ बारिश और बाइक टैक्सी में आप सभी का स्वागत है यार। क्योंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है यार, अब बाढ़ तो आएगी या लखनऊ में अभी थोड़ा सा ही बारिश स्टार्ट हुआ है और हर जगह पानी पानी हो गया है। बट चलो कोई नहीं यार, काम हो मजा आए भाई। इसी मौसम का तो हम लोग वेट कर रहे थे, बट बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है यार कि बारिश में काम होता है कि नहीं, ऐसे तो कमाने पड़ेंगे ना रेनकोट खरीदने के लिए। बट चलो कोई नहीं यार, अभी ये कस्टमर कांटेक्ट नहीं कर रहा यार, राइड उठानी कहाँ से, अपोजिट साइड में क्या नेविगेशन को ऑन करते यार। तो भाई अभी ऊबर वॉलेट ना 300 के ऊपर माइनस जा चुका है एंड देखो सेवर की राइड आ रही है भाई। क्या भाई इतनी बारिश मौसम में देख, भीग के काम करने आए और ये सेवर बुक कर रहा भाई। अबे बेवकूफ, सेवर तेरा उठाऊंगा क्या? सेवर नहीं उठाने का भाई, बेवकूफियत है सेवर काम करने का। ठीक है कभी कभी कर लो जब कहीं मतलब निकलना हो, लोकेशन चेंज करना हो, बट यार 90% इग्नोर करो यार। तो चलो चलते हैं लोकेशन पे। ओहो फिर से राइड आ रही, 40 रुपए की सेवर भाई। कस्टमर इतना बेवकूफ है ना उबर कस्टमर यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, सेवर बुक कर रहा है ये बारिश के मौसम में, सर्च मिलना चाहिए भाई। अभी क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा इन कस्टमर्स का। रुको पहले कस्टमर कॉल कर लेते हैं, ओला वाला का लोकेशन मालूम कर लेते हैं। ठीक है PGI जाना है लेकिन बात तो करना पड़ेगा ना, बारिश स्टार्ट हो गई है। तो कस्टमर ने ना बुकिंग कैंसिल कर दिया, बुकिंग हैज कैंसिल बाय कस्टमर। देखो ऐसे यार ओला कस्टमर होते हैं, बट कोई नहीं अभी उबर को भरोसे रहते हैं यार। पहली राइड कैंसिल से स्टार्ट हुआ, बट चलो कोई नहीं, होप कि अब कैंसिल वनसिल ना हो। ठीक है सो फाइनली बारिश बंद हो चुकी है और हमारे पास एक और राइड आ गई है एंड हम पूरा टोटली भीग चुके हैं यार। लेकिन फिर भी अपन काम कर रहे हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यार अपने पास। दो दिन से ऐसा ही हो रहा है यार कि मतलब पूरा दिन भर बारिश हुआ था, अभी तो बारिश खुल गया बट स्टार्टिंग जब आज हम फर्स्ट राइड उठाए थे देन बारिश स्टार्ट हो गया। अब यार राइड अच्छी थी तो हमने कहा कैंसिल तो कर नहीं सकते, तो हमने कहा चलो इसको पूरा करते, कस्टमर को कभी कोई इशू नहीं हुआ। तो हमने कहा जब कस्टमर को इशू नहीं है तो अपने को भी कोई इशू नहीं है, ठीक है राइड कम्प्लीट करते हैं। एंड बहुत तेज बारिश हो रही थी यार, सब लोग देख रहे हैं। जब मैं गोमती नगर में आया तो गोमती नगर में बारिश नहीं हो रही थी, कह रहा ये बंदा भीग कैसे गया भाई। कैंट साइड और आलमबाग में बहुत बारिश हुआ यार, पहली राइड से पूरा भीग गए, जूता होता कल तो यार पूरा जो पैर था ना वो, अगर आप ज़्यादा देर तक अगर आपका पैर या हाथ गीला रहता है हो गया था यार, सफ़ेदी पड़ गया था। तो फिर यार बस और रात भर मतलब कड़वा तेल लगाए, सरसों का तेल, तो फिर जाके सही हुआ। देन अभी ये राइड आगे जानकीपुरम की है, उबर की अच्छी राइड है यार। सत्यम ओटीपी क्या है भाई? पिन 5888888 88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 8
हाँ भैया आप किधर गए हो? हम तो बनारस के। हाँ, क्योंकि जब भैया में थोड़ा सा हल्का सा भैया होता है ना, तो फिर मुझे समझ गया कि भाई जो है बनारस या गोरखपुर का है। नहीं, क्या होता है, भैया ही अच्छा लगता है। हाँ सही है, किसी को भी छोटा हो या बड़ा हो भैया कहना अच्छा लगता है। भाई सीधा आप बड़े हैं तो भैया ही बोले। मैं बड़ा हूँ कैसे? अरे कैसे आप बड़े हैं ना? कैसे मालूम चल गया? मैं तो चेहरा भी नहीं देखा। आदमी को देख के पता चल जाता है ना। देखो यार, मैं तो पतला हूँ तो फिर कैसे मालूम चल गया? तो चलो भाई, अपनी ओला से अभी स्टार्ट हो गया राइड कम एंड अभी हम लोग जानकीपुरम आए थे यार उबर पे। अब यहाँ से बच गया ओला। सो आलमबाग की राइड है यार, और इस टाइम आलमबाग जाते तो नहीं है। मैंने कहा अगर यार बारिश वाला मौसम है, फिर बारिश होने लगा था, जरूर वहाँ से राइड मिल जाएगी। एंड देन अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर राइड दिक्कत हो जाएगा यार। सो अभी तो यार जो राइड आ रही है ना 30-40 की भी, वो भी राइडें किया है दो तीन, मतलब हाँ कि हाँ रेटिंग चलो सही हो जाए यार, कि काम दे, नहीं तो यार ओला बहुत बुरा मेरा रेटिंग था यार। क्योंकि आज के टाइम में ना ओला बहुत अच्छा पैसा देता है, मतलब औरों से तो अच्छा देता है, क्योंकि और जो कंपनियां सेवर लाइट लेके आई है, ओला कम से कम यार अभी ये चीज़ें नहीं लाई। ओला अगर सेवर या लाइट की राइड लाता है तो चलो समझ में आता है क्या, कि ओला की उसकी ईवी बाइक्स है, स्कूटर है, लोग उसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अगर रेट कम कर दे तो। बट इसका भी कोई मतलब नहीं बनता यार, किसी भी कंपनी को लाइट एंड सेवर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसकी राइडर की अर्निंग कम हो जाती है। मैं तो कभी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन चलो ओला इस चीज़ को समझता है यार, और अभी भी अपने राइडर्स को मतलब है, उसके भी मतलब जेन्यून राइडर है, उसके जेन्यून कस्टमर भी है यार। औरों के बारे में क्या बोलूँ यार। यार अभी क्या है ना, सोच रहा था कि अगर घर की राइड है, मतलब घर की मतलब रूट की राइड है, कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा मतलब घर चले जाए यार, मतलब जूते तो पूरा भीगा हुआ, मैंने चाहता यार पूरा पैर वैर ख़राब हो जाए, तो इससे अच्छा कि घर जाके चप्पल उप्पल पहन लूँ, सैंडल तो अभी है नहीं, तो फिर जूते खोल के चप्पल ही पहन लेंगे। बस चप्पल में थोड़ा इशू हो जाता है यार, स्टेबल उतना नहीं हो पाता है, मतलब थोड़ा पैर फिसलता है। बट चलो अभी देखते हैं। क्या लोकेशन है यार, बहुत वो है। आप ही को बैठना है, आप लेके बैठ जाएंगे ना? 6218 आलम, अभी रुक जा, मोड़ ले, आगे से ठीक है, बैठे। यहीं से सर सुबह क्या हुआ था कि बारिश में हम पहली राइड पे भीग गए थे, देन उसके बाद से क्या हुआ था ना, एक ओला पे ट्रिप आई थी आलमबाग की, देन हमने कहा चलो यार शूज़ वूज चेंज कर लेते हैं, पैंट वैंट, क्योंकि यार अगर आप गीले कपड़े में काम करते हो तो फिर तबीयत भी ख़राब हो सकता है एंड खुजली वजली होने लगता है, तो फिर मैं घर पे गया शूज चेंज करके एंड चप्पल पहन के आया, देन पैंट भी सब चेंज कर दिया। एंड अभी फिर हम लोग यार ऑन ही किए हुए थे ना, कोई आलमबाग से राइड आई, फिर हम लोग आशियाना आ गए। जस्ट अभी एक राइड आई थी ओला पे, हमारे का जो पिकअप लोकेशन था वो गलत था, और मैं अभी आशियाना में हूँ ठीक है, पराग वाले रोड पे, बट उनका जो पिकअप था वो पास में था, 800 मीटर पे था, बट वो करंट में जो थे वो ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर, और जहाँ पे मैं खड़ा वहाँ से 800 मीटर था। तो मैंने कहा सर आप ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हो, बट आपका जो पिकअप लोकेशन है वो आशियाने का शो हो रहा है, तो फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया, लालबाग का था ठीक है, विधानसभा की तरफ का। सो अभी बस यही है यार, यहाँ पे 1 घंटा हो गया यार, मतलब कहाँ मॉर्निंग में इतना अच्छा काम हुआ था बारिश में, एंड राइड भी आ रही थी, देन उसके बाद से जब आशियाना आ जाते हो ना आलमबाग साइड में, तो कुछ बज ही नहीं रहा, ऐसा कुछ भी आ जाए ना, जैसे कि लोकेशन चेंज करते यार, पीली बाग का ही आ जाए, वृंदावन का ही आ जाए, गंज का भी आएगा फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया लगभग 12 बज रहा है, तो अभी इसके बाद से भी ना राइडें आना शुरू हो जाती है गंज से भी, क्योंकि वहाँ से भी ऑफिस एंड कोचिंग वाली छुट्टी हो जाती है, मतलब आधे घंटे भले बाद आए, बट ये लोकेशन आशियाना चेंज हो जाए, आशियाना सबसे बुरा एरिया यार, मैंने इसके पहले ही बात किया यार, सबसे अगर कोई बुरा एरिया है ना ये आलमबाग आशियाना है, भले अपन इधर रहते हैं लेकिन यार राइड के मामले में सबसे बुरा हाल हो जाता है। मॉर्निंग में अगर यहाँ से राइड लेकर निकल गए तो ठीक है, वरना अगर बीच में आप आते हो ना थोड़ा मतलब 12-1-2 बजे 3 बजे तक 4-5 बजे तक भी, फिर भी यार आपको राइड नहीं मिलेगी यार,
तो यही था यार कि अभी देखो कितने देर में रेड आता, अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया है एंड काम भी बिल्कुल शांत हो गया है यार। कल इतनी अच्छी अर्निंग हुआ था, इतने मैंने पूरा दिन बारिश में भीग के अपन काम किए थे ठीक है, और आज भी स्टार्ट तो वैसे ही हुआ था, फिर देन उसके बाद से मौसम क्लियर हो गया, साफ हो गया, तभी सारे लोग आ गए काम पे, तो आज थोड़ा मुश्किल है अर्निंग अच्छी, बट ये है कि थोड़ा सा तो हो गया है, अभी कोशिश है कि थोड़ा सा जो हुआ है ना उसको और थोड़ा सा बेटर करते हैं ठीक है। तो अभी यार चप्पल पे आज पूरे दिन राइड करने वाले हैं ठीक है ना, क्योंकि चप्पल पे उतना कंफर्ट नहीं रहता यार जितने कि जूते पे कंफर्ट मिलता है, बट चलो कोई नहीं क्योंकि थोड़ी बाइक है ना बड़ी है, इसको थोड़ा सा मतलब स्टेबल रखने के लिए एंड थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए आपको शूज़ पहनना ही पड़ेगा, बट अभी यार जूता भीग चुका था यार, जूता भीगे हुए जूते पे आप दिन भर नहीं रह सकते यार, 6-7 बज ही जाता है शाम को। सो चलो यार राइड आती है, मिलते हैं ठीक है, चलो मिलते हैं। किसकी राइड है? शालू की। सुबह यार अजीब सा लग रहा है यार, मतलब जब से मतलब मैं आया हूँ ना, क्या मतलब यार आशियाना कितना बेकार एरिया है, आलामा कैसे भी करके यार बहुत देर बाद गोमती नगर इंदिरा नगर की राइड आई थी हाँ, एंड देन उसके बाद एक छोटी सी राइड गोमती नगर लेके आए थे, फिर ये 20 रुपये की राइड है। मैंने कहा अभी तो यार मौसम पूरा खुल गया यार, राइड वाइड आ नहीं रही है, जो मिले 20-30 रुपये करके काम करो घर चलो, समझ रहे हो। और मैडम से बात हो चुका है यार, क्या तेज़ धूप है यार, ऐसे ही तबीयत ख़राब होता है यार, कल पूरा दिन बारिश में भीगे, आज सुबह भीगे एंड देन इसके बाद से इतना तेज़ धूप है। कहाँ पे हो? एग्जिट पे तो हम भी हैं, इधर 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 मैम इधर, अरे इधर। सालू उधर कहाँ जा रहे थे? बैठिए मैम, चले ना। ओला आपने बुक किया था? 8376 बैठ जाओ। कूपर है क्या ये? मिनी कूपर। मिनी कूपर मैं कह नहीं, आपने भी किया है क्या? नहीं नहीं मेरा भाई कर रहा है सीएस। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ ना कि लोगों को विश्वास हट जाएगा बीते भाई, बताना चाहिए अपने से, अपनी चीजों पे क्या शर्म करना है। इंजीनियर राइडर ब्लॉग, इंजीनियर राइडर, इंजीनियर इंजीनियर राइडर राइडर ब्लॉग स्पेस था इंजीनियर के बाद। बढ़िया, चलो भाई नाइस मीटिंग यू। ओके भाई अपन अभी आ चुके हैं, अब यहाँ से कहाँ चलते हैं? यहाँ से भी राइड आ जाती है, बटलर कॉलोनी चले क्या? हाँ सोच रहे हैं बटलर से जाने से अच्छा है गोमती नगर चलते हैं। आई लव हमारा लखनऊ। तो चलो अभी एक और राइड आ गई ऊबर की, कितने की थी यार? 30 रुपये की राइड थी, कस्टमर पास में ही है। तो अभी जाके मौसम ऐसा लग रहा है कि हाँ बारिश वारिश आएगा आगे चल के ठीक है, बट उसके पहले ही कुछ काम वाम कर लेते हैं यार,
अभी ओला का जो ट्रिप था ना वो अपडेट नहीं किया यार, पता नहीं क्यों यार अपडेट नहीं करेगा तो यार 25-30 रुपये जो वॉलेट में आते वो लॉस हो जाएगा। आज दिन में बहुत गर्मी थी यार, बहुत तेज़ धूप था, 11 बजे के बाद ना मौसम बिल्कुल गर्म जैसा हो गया। अभी देख रहे हो बादल बादल आ रहा है, बट चलो कोई नहीं, उससे पहले अभी थोड़ा ठीक ठाक अर्निंग हो चुका है। खुशी 77 रेडी। ये पीछे से ना, अरे क्या हुआ? अरे मैम डरा दिया मैम, कमजोर दिल का हूँ। अरे मैम आप चीखी, मैं डर गया, क्या हो गया? आगे से लाइट आज तो पसीना हुआ, तो स्लिप हो गया। स्क्रीन तो नहीं गया ना? हां स्क्रीन तो नहीं टूटा ना? अरे ये तो आज 10 बार गया। ऑनलाइन करेंगे 28 टुकड़े टुकड़े हो गए हैं इसके पूरे। ओके थैंक यू, लॉगिन कर लेते हैं। देख लो 30-30 रुपए की राइड कर रहा हूँ, और तुम लोग कहते हो कि यार छोटी राइड मैं करता नहीं हूँ। ठीक है मैं छोटी राइड भी करता हूँ, गोमती नगर की तो कोई भी राइड हो ना, एंड पास का पिकअप हो, मैं पास नहीं करता हूँ। अगर 30 रुपये की राइड है, इसका जो पिकअप लोकेशन था 300 मीटर का था, उठा लो यार 30 रुपये आ रहा है, 3 किलोमीटर का भी क्या चाहिए? शायद ये दो किलोमीटर का था, ये 2.5 किलोमीटर का। सो यही चीज़ है यार, अगर शॉर्ट पिकअप है, छोटी राइड है, तो आप उसे उठा लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा ही राइड मिले, क्या पता आप जहाँ पे छोटी राइड लेके आ रहे हो वहाँ से बड़ी मिल जाए। सो अभी काम यार, ओला पे एक राइड अभी मैंने लास्ट वाला ट्रिप किया था ना, अभी तक उसने अपडेट नहीं दिया यार। अभी मैंने 3 राइड किया इस पर, और जो आज राइड आया मैंने किया है यार, अभी राइड ही आज ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि आज बारिश हुआ नहीं ज़्यादा। कोई नहीं, काम ऑन एवरेज ठीक ठाक हो गया, घर जाते जाते 100-150 रुपये का और काम हो जाएगा तो बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है अच्छा वाला काम हो जाएगा। सो चलो मिलते हैं राइड पे। सो अभी जो टाइम हो रहा है 7:19 हो रहा है, एंड आज हमने जो गाड़ी चलाई है 148.2 किलोमीटर जो हमारी अर्निंग हुई है, और इन ड्राइव पे हमारी 2 ट्रिप पे 155 की अर्निंग हुई है, उबर पे हमारी 5 ट्रिप पे 205 की अर्निंग हुई है, ओला पे हमारी 3 ट्रिप पे 240 की अर्निंग हुई है, और हमारी 2 ट्रिप ऑफलाइन हुआ था। ठीक है वो भी किस पे आप लोग कमेंट करके बता देना, बताना नहीं चाहिए यार, ठीक है ना, ऑफलाइन ट्रिप कर तो ठीक है अच्छी बात है, बट मैं बता नहीं सकता ना मैंने किस पे ऑफलाइन किया है। तो आज जो अर्निंग हुई है अप्रॉक्स 900 रुपये की अर्निंग हो गई है 12 घंटे में, और थोड़ा सा दोपहर बेकार चला गया था। जो मैं दोबारा जब घर गया था ना कपड़े चेंज करने के लिए, एंड देन उसके बाद से 11 से 2 के बीच ऐसे आने में रहा यहीं पे था यार, और 3 घंटे तक कोई राइड नहीं, फिर राइड आई थी, फिर देन उसके बाद से छोटी मोटी करके थोड़ा बहुत 900 रुपये का हो गया। मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो हमने काम किया था 7 से 11 400 रुपये की अर्निंग हो गई थी, और देन उसके बाद से यार सेकेंड शिफ्ट में जो काम किया था 11 से था, बट उसमें 3 घंटे तो राइड ही नहीं है, देन उसके बाद से जब 2 बजे से राइड आई, एंड देन 5 घंटे में 500 रुपया, तो पर घंटे 100 रुपया अर्निंग हुआ। देन अगर टोटल लॉगिन टाइम की बात करें तो यार अप्रॉक्स 12 घंटा हो गया, 12 घंटे में 900, 3 घंटे नहीं काम हुआ, चलो कोई नहीं, कैसे भी 3 घंटे जो है स्पेंड हो गए थे। एंड जो 3 घंटे थे ना यार बहुत गर्मी का था यार, बहुत तेज़ धूप था यार, बारिश के बाद से जो धूप निकलती है ना बहुत कड़ाके की धूप निकलती है। एंड देन अभी देखते हैं यार मौसम अब कल से कैसा होता है, बारिश वाला होता है या फिर धूप निकलता है। बारिश हो तो मज़ा है यार, इन्हें पता नहीं सामने से कौन आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो हाई बीम जलाते रहते हैं ना, इतने
क्या बताऊं यार, कार से लेके बाइक वाले यार हाई बीम नहीं चलना चाहिए यार, क्योंकि सामने से आप एक तो रॉन्ग साइड से आ रहे हो, देन उसके बाद से आप फ्रंट पे ही यार वो लाइटिंग आ रही, कुछ दिखता ही नहीं। सो यही चीज़ यार, काम अच्छा हुआ है ना, अभी दो दिन से काम अच्छा हो रहा है। सो अच्छी बात है यार, मेहनत करने के बाद से अगर अर्निंग अच्छी हो जाती है तो बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ चलो, मेहनत का फल मीठा होता है, ठीक है, बट यहाँ पे तो पैसा होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अर्निंग के साथ, टेक केयर, बाय बाय।